हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? देखिए, विंटर के फ्लावर्स अभी से मेरे गार्डन में होने लगे हैं। कुछ कलर्स इसमें हैं। मेरे वीडियो देखते रहिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। आज मेरे वीडियो में है भरपूर हार्वेस्ट। बहुत सारे हार्वेस्ट करेंगे हम आज, और मैं दिखाऊंगी मेरे गार्डन में क्या चल रहा है, क्या हालचाल है और कौन सी सब्जी निकल कर आई है, और सारा अपडेट भी इसमें मिलेगा। और एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स और सपोर्ट करना। बहुत दिन हो गए मेरे चैनल को बनाए हुए, लेकिन उतनी ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं है जितनी होनी चाहिए। पता नहीं लोग कैसे ग्रो होते हैं, आप मुझे हेल्प ही नहीं कर रहे हो। तो ये फ्लावर्स कुछ तो अभी इवनिंग टाइम है। इवनिंग में हम लोग ऊपर आए हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है, और मैं लाइट भी लगा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं अपना गार्डन का कुछ काम भी कर लेती हूँ। देखिए कितने सारे वेजिटेबल्स लगे हुए हैं। तो अभी मैं काम कर रही हूँ, देखिए सूखे जितने भी मेरे पेड़ पौधे थे उनको हटा रही हूँ। सूखे मतलब जो सीड्स बन चुके हैं उन पौधों को हटानी है, सीड्स कलेक्ट करनी है, और जो नए जो बेल चढ़ रही है उसको लिए मुझे सपोर्ट भी देनी। ये सब काम बहुत दिन से पेंडिंग है मेरा। आजकल करते करते मैं बहुत दिन वेस्ट कर चुकी हूँ, तो अभी फ़िलहाल मैं ये सब काम कर रही हूँ। तो देखिए ये सीड्स कलेक्ट कर रही हूँ मॉर्निंग ग्लोरी के। बहुत सारे कलर्स जो है थे मेरे पास वो सब सूखे हुए हैं, उनके सारे जो बीज है वो इकट्ठा करनी है मुझे। तो इन सबको मैं हटा रही हूँ, और ये नीचे से जितने भी बेल वगैरह है फ्रेंड्स, ये हरे भरे, इन सबको सपोर्ट दे दूँगी यहीं पर मैं। तो उन सबको देखिए ये फली निकल रही है एक एक कर, जो ग्रो होने के लिए उसको जगह नहीं मिल रही है, जो सूखी है उसके ऊपर ही चढ़ रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उनको हटा लिया है। तो इनमें से सीड्स कलेक्ट कर लूँगी, और मिली बक्स लगे हुए हैं उनको भी स्प्रे करना है। अभी शाम का टाइम बहुत अच्छा रहता है, तो इसलिए मैं अभी ये काम कर रही हूँ। तो देख रहे हैं आप मेरे गार्डन का पूरा एक व्यू। तो यहाँ पर पूरा मैं पहले हटा लेती हूँ, फिर मैं बाद में जो स्ट्रॉन्ग धागा है उसको लेकर इस तरह से बांध रही हूँ। ये धूप में भी कुछ भी नहीं होता है, तो ये पौधों को भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। तो इसको मैं धीरे धीरे कर यहाँ करेला की बेल है, फिर नीचे है बीन्स की, और उसके बाद और एक जो लॉन्ग बीन्स है वो उसका भी यहीं पर बेल है। तो इन सबको देखिए इस तरह से एक अंदर एक दूसरे के साथ ऐसा लग रहा है कि झगड़ रहे हैं, तो इनको जो है मैं थोड़ी सी सपोर्ट दे देती हूँ ताकि ये ऊपर चढ़ने में इनकी मदद मिल जाए, और इसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ। सपोर्ट मिलने के बाद ये कितने अच्छे ग्रो हो रहे हैं। सपोर्ट की ज़रूरत होती है बारिश के दिनों में, इनको बिल्कुल भी न खाद की ज़रूरत होती है, बस इसको अच्छे से सपोर्ट मिल जाए, बस ये अपने आप ही ग्रो होते रहते। ये देखिए सूखे टहनी में ये फंसा हुआ है, देखिए कितना, इसको छुड़ा कर मैं यहीं पर इसको देखिए इतनी लंबी सी ये चढ़ी हुई, बस इसको सपोर्ट नहीं मिला तो नीचे ही उसको वहीं घूम घूम कर वहीं दबा रहा वो। और ये देखिए फ्रेंड्स मेरे गार्डन में, उसके अलावा ये वाइट फ्लावर भी इधर साइड में आए तब ये दिखा मुझे, तो ये वाइट फ्लावर्स। उसके बाद चलिए एक एक कर मैं अभी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो अभी ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी फलियाँ लगी है, सेम की फलियाँ हैं। ये रेन लिली का बड़ा वाला वेराइटी है, ये बहुत ही सुंदर सा फूल। तो चलिए थोड़ी थोड़ी सी निकालना शुरू कर देते हैं, और सूखे हुए हैं काफ़ी दिन से, मैंने ऐसे ही रखा रहने दिया था इसको, और ये हार्वेस्ट कर रही है मेरी बेटी, उसको बहुत पसंद है। अभी मुझे तोड़ने बिल्कुल नहीं दे रही है, वो बोल रही कि मैं तोड़ूंगी। तो उसी के हाथ में मैंने सब देकर छोड़ रही हूँ ताकि वो कुछ निकाल सके।
और बहुत सारे ऐसी सब्जी निकल कर आई है, मैं एंड में ज़रूर दिखाऊंगी, आप देखते रहिए फ्रेंड्स। और ग्रोथ के लिए पॉट की साइज़ भी इस बार मैं अच्छा दी हूँ, तो ये ग्रो भी अच्छे हो रहे हैं, सारे सब्जियाँ जो हैं अच्छे से ग्रो हो रही हैं और बहुत सारे फ्लोटिंग भी कर रही हैं। तो ये एक ड्रम में लगा हुआ है, इसकी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, बस आप कहीं से भी इसकी एक बीज मिल जाए तो लगा लीजिएगा, ये अपनी गार्डन में बहुत अच्छे से ये ग्रो होते जाएंगे। और इसमें और एक वैरायटी आती है, उस वो वाला बहुत ही टेस्टी रहता है, ये उतना ज़्यादा टेस्टी मुझे नहीं लगता है, बस ये ऑर्गेनिक ग्रोन है तो इसका भी टेस्ट अच्छा ही बना था जब मैं बनाई थी। तो देखिए अभी फ्लावर्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, देखिए ये निकला हुआ है, तो बस इतने सारे मैं निकाल के रखी हूँ यहाँ पर, देखिए ये टहनियाँ सब हटा लूँगी तो बाद में आपको दिखा दूँगी कितनी हो रही है यहाँ पर। तो ये उसी बगल में और एक छोटी सी बेल है, तो वहाँ पर भी कुछ सेम लगे हुए हैं फ्रेंड्स। तो सारे इकट्ठा कर दिए हैं, तो यहाँ पर फिग भी बहुत सारे हुए थे, धीरे धीरे हम एक 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 कर कर सब उस प्लांट में से ख़त्म ही हो गया समझो। बस मेरी बेटी को बहुत पसंद है ये, जब भी होता है तो पहले उसी के पास प्रसाद चढ़ जाता है, उसी को प्रसाद चढ़ जाता है देखिए। और टमाटर इस बार मेरे पास चेरी टमाटर ही ज़्यादा है, ये बहुत सारे निकल कर आए थे, जैसे 600-700 ग्राम तक थे ये। जितने भी प्लांट्स थे सभी में निकले हुए थे, तो इस बार बहुत अच्छी सी हार्वेस्टिंग हुई और ये काफ़ी टेस्टी रहता है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा मुकाबले हम जो नॉर्मल टमाटर से करते हैं, तो ये मुझे बहुत ही खट्टा और मीठा, खट्टा बहुत था ये और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। इसको डालकर आप सब्जी बनाते तो सब्जी का टेस्ट थोड़ा और ही बढ़ जाता है। और चेरी टमाटर जो है इतने ज़्यादा पेड़ में जो है लगने लगते हैं धीरे धीरे, और ये एक दो नहीं होते हैं इकट्ठा, ये पूरे इस तरह से 4-5 बंचस में ही ये निकलते हैं, कुछ भी सिंगल नहीं आता है इसमें। तो ये हार्वेस्टिंग में मेरी बेटी भी बहुत काम कर रही है, जब भी मैं कुछ काम करती हूँ बोलती मैं भी करती हूँ, पानी डालती हूँ तो बोलती है मैं भी डालती हूँ, तो उसको भी बता रही हूँ कहाँ कहाँ तोड़नी है, तो बस वो तोड़ती जा रही है, मैं इकट्ठा करती जा रही हूँ। देखिए इस तरह से पूरे भर कर बहुत ही निकले थे, अभी बहुत सारे हैं। जो सिंगल है उसको वहीं पर छोड़ देंगे हम, कच्चा है तो वो उठा लेंगे हम, हाँ छोड़ देंगे, जो पका है उसको ही उठा लेंगे। तो सारे तोड़ते तोड़ते बहुत टाइम लगा है, क्योंकि छोटे छोटे थे, बहुत सारे पॉट्स में ऐसे लगे हुए थे, स्पेशली बेटी तोड़ रही थी तो बहुत ये लगा। और चलिए मैं इधर कुंदरे भी तोड़ लेती हूँ, बहुत सारे लगे हुए हैं अभी। देखिए सीज़न ऐसा है कि वो बहुत सारे फ्रूटिंग कर रहे हैं, एक हफ्ता होता नहीं है कि फिर से आ जाता है। और साइज़ देखिए कितना अच्छा सही दिख रहा है, साइज़ देखिए कितना बड़ा और प्यारा सा आए हुए हैं। चेरी टमाटर अच्छा रहता है सेहत के लिए, आप इसे ऐसे भी सलाड में खा सकते हैं या सब्जी में भी डाल सकते हैं, लेकिन बारिश की वजह से जो साइज़ है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। और ये देखिए करेला, इसको भी तोड़ लेती हूँ, क्योंकि करेला एक एक दो दो होते हैं तो उसे इकट्ठा कर कर मैं रख लेती हूँ। फिर चलिए इधर कुंदरू भी बहुत सारे लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप, दिख तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छे से ये कुंदरू
लगे हुए, ये पत्ते के नीचे रहते हैं कि दिखाई नहीं देते, लेकिन जब भी निकालते हैं तो बहुत सारे ही आते हैं इसमें। तो इस तरह से मैं अभी हार्वेस्ट कर लूँगी सबका। तो सारे तोड़ने के बाद ही मैं आपको दिखाऊंगी, दिखाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए इतने ऊपर ऊपर है ये, कुछ तो मेरे हाथ भी नहीं आ रहे, लेकिन साइज़ इसका भी काफ़ी अच्छा सा बना हुआ है। एक दो कर कर बहुत सारे निकल कर आए, और इसको मैंने ऊपर चढ़ा दिए थे तो ये ऊपर ही ग्रो हो रहा है। तो एक प्लांट में से तो इतने सारे आए हैं। तो वहाँ पर भी कितने सारे हुए हैं उस सबको भी मैं निकाल लूँगी। इस बार मैं सब्जियों के जो भी प्लांट्स, फ्रूटिंग के प्लांट्स सारे हैं, सबको मैं अलग अलग साइज़ के, बड़े बड़े साइज़ के प्लांट्स इन्हें मिले हैं, तो ये काफ़ी खुश है और बहुत अच्छे से फ्रूटिंग वगैरह कर रही है। देखिए तो अभी बहुत है ऊपर, मुझे नहीं हो पा रहा है निकालना, अभी 7-8 तो वहाँ पर निकलेंगे ही। तो फिलहाल मेरे हाथ में जितने आते हैं टोटली एरू गिड इष्ट बंदो नन के तोर्सिन इष्ट बंद अंत नन मगेल सारे ये रहे नोड़बू नहीं आज के हार्वेस्टिंग। सो इष्ट नम हार्वेस्ट सेपरेट रखा है, इष्ट हार्वेस्ट आगे आ जाए अंदिष्ट। और इसे हम की पल्लियस को मैंने नीट से काटा है, सब निकाल दिया। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।